हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो आज हम लेके आए तुम्हारे इंडोनेशिया सोलोना थ्रोडी को अपने वीडियो। तो फाइनली गाइस, तुम्हारे इंडोनेशिया सोलोना थ्रोडी गेम प्ले में फाइनली तुम्हारी डॉग्ड चैलेंजर कार का मॉडल रेडी कर दिया है। मतलब कि तुम्हारे इंडियन व्हीकल सोलोना 3D गेम प्ले में तुम्हारी जो डॉग्ड चैलेंजर कार होती है ना, उसका हमने मॉडल बना दिया तुम्हारी गेम में। अब वो मॉडल कौन सा बनाया, कौन सी थीम अप्लाई की है, कौन कौन सी मॉडिफिकेशन, मतलब कि कैसा एफ स्पॉइलर आने वाला है और कैसी कार दिखने वाली है, वो दिखाने वाला हूँ। और इसके अलावा जो तुम्हारा स्वराज 855 ट्रैक्टर है ना, उसके लिए हमने एक और, मतलब कि एक तो कारतूस वाली मॉडिफिकेशन है और एक तुम्हारी मतलब कि निशु देसवाल भाई की मॉडिफिकेशन हो गई। तुम्हारी जो बम्पर है न्यू वाला, तुम्हारा न्यू वाला डीजे हो गया वो वाली, एक तो निशु देसवाल भाई की जो एक डीजे मतलब की मॉडिफिकेशन हो गई। और उसके अलावा एक और न्यू डीजे, न्यू बम्पर, न्यू मॉडिफिकेशन बोल सकते हो तुम्हारे स्वराज 855 ट्रैक्टर की, वो वाली मॉडिफिकेशन भी मतलब कि उनके ना मॉडल रेडी कर दिए हैं। वो क्या इस अपडेट में आएंगे या नहीं आएंगे, तुम्हारी जो डॉग चैलेंजर कार है वो इस अपडेट में आएगी या किस अपडेट में आएगी, तो आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो गाइस, लेट्स गो। तो हाँ, तो गाइस फाइनली तुम्हारे इंडियन व्हीकल सोलोना 3D गेम प्ले में फाइनली तुम्हारी डॉग्ड चैलेंजर कार का मॉडल रेडी कर दिया है। अब वो मॉडल कैसा दिखने वाला वो दिखाने वाला हूँ। और अगर हो सके तो तुम्हारी मतलब कि ना तुम्हारी जो डॉग्ड चैलेंजर कार है, वीडियो को एंड तक ना तो मैं उसका गेम प्ले भी दिखा दूंगा कि मतलब कि तुम्हारी जो डॉग्ड चैलेंजर कार है एक्चुअल में लगनी कैसे वाली। एक तो फोटो में तो अलग तरीके से लगती है, बट जो तुम रियल तुम गेम में जब चलते हुए देखोगे ना, वो अलग लगने वाली है। अगर हो सकी मतलब कि अगर उसका मतलब कि आ गया ना, तो मैं आप सबको दिखा दूंगा तुम्हारी रियल में डॉग्ड चैलेंजर कार कैसी होने वाली है। और मतलब कि उससे पहले तो मैं मतलब कि तुम्हारी फोटो दिखाई देता हूँ, तुम्हारी एक्चुअल में डॉग्ड चैलेंजर कार कैसी है उसके दिखाऊंगा। और उसके साथ में ना तुम्हारा जो न्यू डीजे मॉडिफिकेशन, तुम्हारे स्वराज 855 ट्रैक्टर की जो मॉडिफिकेशन रेडी की है ना, वो भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तुम्हारी मतलब कि डॉग्ड चैलेंजर कार दिखा देता हूँ। तो हाँ, तो गाइस मतलब कि तुम्हारी जो डॉग्ड चैलेंजर कार है ना, लिटरली कुछ इस टाइप से बनाई है। बाकी आप सब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। देखो इसमें ना एक थीम अप्लाई की आप सभी को, मतलब कि जो रेड वाला, जो मतलब कि रेड वाली थीम अप्लाई की है ना, इसके बीच में देख लो ना, ये थीम है, ये थीम बोलते हैं इसको, ये थीम वाली अप्लाई की है। अगर आप सबको भी कोई थीम पता हो तो इंस्टाग्राम की तुम्हें लिंक मिल जाएगी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मुझे डॉग्ड चैलेंजर के जो लवर्स है ना, जो मतलब कि देखना चाहते हो कि हाँ डॉग्ड चैलेंजर कार जो जो जिन जिसको पसंद है, जो जो थीम मालूम हो आप सभी को, मॉडिफिकेशन मालूम हो, तो एक बार कमेंट करके बता देना और इंस्टाग्राम पर मुझे भेज देना। एक्चुअली मैं सबसे पहली चीज़ बता दूँ ना, तुम मुझे उस मॉडिफिकेशन को, डॉग्ड चैलेंजर कार की मॉडिफिकेशन को एक बार मेरे पास भेज देना, तो उस मॉडिफिकेशन को अगले वाले जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है ना, उस अपडेट में दे देंगे। और इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं तुम्हारे जो स्वराज 855 ट्रैक्टर की जो एक और न्यू मॉडिफिकेशन बताई है ना, वो मॉडिफिकेशन कैसी दिखने वाली है। तो चलो मैं सबसे पहले वो भी दिखा देता हूँ। मतलब कि पहले तुम्हारी डॉग्ड चैलेंजर दिखा दी, अब तुम्हारी जो मतलब कि तुम्हारे जो स्वराज 855 ट्रैक्टर है ना, उसकी एक न्यू मॉडिफिकेशन बनाई है। तो चलो मैं आप सबको वो वाली मॉडिफिकेशन दिखा ही देता हूँ। तो हाँ, तो गाइस ये वाली कुछ इस टाइप की मॉडिफिकेशन बनाई है। मतलब कि इसका जो डीजे है ना, बहुत बड़ा डीजे है, और इस डीजे पे ना तुम्हारे सिद्धू मूसेवाला ब्रदर्स की एक बड़ी सी फोटो लगाई है। देख रहे हो ना सिद्धू भाई ने जो अपने मतलब कि एक ट्रैक्टर है, जो उनका नॉट ग्यारह ट्रैक्टर है ना, उस पर वो लेट रहे हैं। तो वो वाली हमने पिक्चर जो बोलते हैं ना, मतलब कि फोटो बोलते हैं, तुम्हारे इस वाले बड़े वाले डीजे पे लगा दी है। बाकी अब खतरनाक लगने वाला अब की बार की जो मॉडिफिकेशन है ना, और ये मॉडिफिकेशन तुम सोच रहे हो कि इस बार के अपडेट में आने वाली है, ये मॉडिफिकेशन हम इस बार के अपडेट में नहीं दे रहे हैं, एक प्रॉपर अलग से। मतलब कि ये तो मुड़ा फ्रंट ओशन का अपडेट आ जाएगा सबरे मैपों में ऐड होकर 31 मार्च तक, ठीक है ना। और इसके अलावा जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें ये चीज, मतलब कि जो तुम्हारी जो मॉडिफिकेशन अभी जो मैं दिखा रहा हूं ना, तो मैं ये वाली मॉडिफिकेशन आप सबको अगले अपडेट में देखने को मिलने वाली है। मतलब कि क्या ये डीजे होने वाले हैं, मतलब कि अब की बार जो डीजे है ना, वो ज्यादातर ना तुम्हारे मतलब कि जो फेमस लोग है ना, जैसे तुम्हारे अपने सिद्धू भाई हैं, निशु देसवाल भाई हैं, और भी बहुत सारे भाई हैं, मतलब कि ये वाली जो मॉडिफिकेशन तुमने ज्यादातर देखी होंगी, डीजे के शौक हुए, बंपर के शौक हुए, मतलब कि जो ट्रैक्टर की कुल मिला के बोल सकते हो, जो कुल मिला के तुम्हारी ट्रैक्टर की मॉडिफिकेशन होती है ना, वो पंजाब में ज्यादा की जाती है। मतलब अपनी साइड यूपी की साइड अगर तुम आ जाओ या और कहीं साइड चले जाओ ना, तो वहां इतना शौक नहीं है इन चीजों का। ये चीज शौक तो है बट बंदा करवा नहीं पाता उन चीजों को, तो इसीलिए ये वाली मॉडिफिकेशन जाता है ना पंजाब में देखी होगी, और पंजाब के लोग ना बहुत ज्यादा फेमस है इन चीजों में, मॉडिफिकेशन के मामले में। तो ये चीज देखो, कारतूस वाली मॉडिफिकेशन हो गई, ये और किसी भाई की फेमस थी, और ये वाली जो तुम्हारी डीजे अपने जो सिद्धू भाई है ना,
उनकी बड़ी सी फोटो लगाई थी इस वाले डीजे पे। तो ये वाली कुछ मॉडिफिकेशन ऐड किए हैं और कमेंट ये भी आ रही है कि निशु देसवाल भाई की डीजे मतलब कि डीजे हो गया, बम्पर हो गया, अगले वाला जो बम्पर है ना वो बम्पर हो गया, मतलब जो न्यू स्वराज 855 ट्रैक्टर है ना उसकी कुल मिला के जितने भी मॉडिफिकेशन है ना वो सभी मॉडिफिकेशन ऐड करने के लिए कमेंट आ रहे हैं। तो देखो मैं आप सबको बता दूँ वो भी मॉडिफिकेशन ऐड होगी, बट हाँ एक चीज़ और मैं आप सबको सबसे पहले बता दूँ, एक खबर है मतलब कि बोल सकते हैं न्यूज मान लो या खबर बोल सकते हैं इस चीज़ को, आप सबके लिए एक वीडियो आने वाली है एक आध दो दिन के अंदर, आज से मतलब कि एक आध दो दिन बाद तुम्हारी वीडियो आने वाली है। उस वीडियो में ना आप सबके लिए दो चीज़ आने वाली है, एक तो बैड न्यूज़ आने वाली है और एक तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है ना। अच्छी न्यूज़ क्या होने वाली है और बैड न्यूज़ क्या होने वाली है वो आने वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जिससे शायद ऐसा भी हो सकता है तुम गुस्सा भी हो सकते हो और तुम खुश भी हो सकते हो, कुछ लोग गुस्सा भी हो सकते हैं कुछ लोग खुश भी हो सकते हैं, ऐसी चीज़ आप सबको कुछ दिन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, लिटरली बहुत मजे आने वाले हैं। अब की बार का जो अपडेट है ना वो खतरनाक है भाई, उसमें अगर तुम अच्छे से खेलोगे ना, जैसे तुम्हारा मुड मोड ऐड किया है और उसके साथ में ना तुम्हारा फ्रंट टोचन भी ऐड किया है, तो मतलब कि तुम्हारा मुड मोड भी हो गया, फ्रंट टोचन भी हो गया और इसका एक प्रॉपर अपडेट भी हो गया, ठीक है ना। ये तो आप सबको पता है कि इसका इन दोनों की चीज़ों का अपडेट 31 मार्च तक आ जाएगा, ठीक है ना। बट उससे पहले मैं आप सबको ना मतलब कि जब तुम्हारे पास अपडेट आ जाए आप सब मुड मुड में करोगे क्या, लिटरली जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ ना उन चीज़ों को तुम करोगे ना मुड मुड में, वो चीज़ मैं खुद अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, वही चीज तुम खुद अप्लाई करके देखना, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और मजे आने वाले हैं गेम प्ले करने में तुम्हारे मुड मोड में। जैसे कि तुम्हारा मुड मोड है अभी मैंने क्या किया, व्हीकल पर स्विच होकर ना मैंने मतलब कि तुम्हारी उस ऑप्शन पर जाकर तुम्हारी एक साइड तो कमांड स्पेम कर ली और एक फॉर्चुनर स्पेम कर लिया, ठीक है ना, मेरी बात समझना अच्छे से। जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों, एक साइड तुम्हारी फॉर्चुनर है और एक साइड तुम्हारी कम्बाइंड है, ठीक है ना। तो मैं क्या करा है कि तुम्हारी जो कम्बाइंड है ना वो गड्ढे में घुस दिए भाई, पूरी जो तुम्हारी जो कम्बाइंड है मैंने गड्ढे में घुस दिया, मतलब कि जैसे कि बोलते हैं ना फंसा दिए, लाइक अब मान के चलो मैं सीधी यहाँ पे खड़ा कर देता ऊपर की साइड तो तुम्हारी फंसती नहीं थी, नॉर्मल तरीके से चलती, तो इस मैंने क्या किया तुम्हारा जो गड्ढा गहरा सा गड्ढा है ना उसमें ढकेल दिया या बोल सकते हो उसमें घुसा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा तुम्हारी जो फॉर्चुनर है ना वो तुम्हारी फॉर्चुनर है उस पर जो मतलब कि तुम्हारी, हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी तुम मुड मोड में गेम खेलो ना मुड मोड में अपने व्हीकल को चलाओ या बोल सकते हो फ्रंट टोचन करो या बैक टोचन करो, तो उसमें एक सिस्टम करना कि तुम्हारे जो एलॉय व्हील है ना उनको चौड़े कर लेना और साइज इंक्रीज कर लेना, मतलब कि प्रॉपर जो मतलब कि स्पिन मुके आते हैं ना वो वाला साइज मत रखना, तुम्हारा जो मतलब कि टायर होगा ना थोड़े थोड़े बड़े कर लेना, ज़्यादा बड़े करके देख लेना, उससे ये होगा कि कम फंसने के चांसेस रहेंगे, ग्रिप भी रहेगी और तुम्हारी जो कम्बाइंड है ना उसको निकाल भी सकती है तुम्हारी फॉर्चूनर या बोल सकते हो ट्रैक्टर ले लो चाहे कोई सा भी व्हीकल ले लो, उससे ये फायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना। और हाँ एक चीज़ और, अब जैसे कि मैंने एक चीज़ तुम समझना कि जैसे कि तुम्हारा मैंने व्हीकल स्विच हो गया, मैं तुम्हारी कम्बाइंड पर स्विच हो गया, मैं जैसे ही AI बैक टोचन लगा दिया, कोई फ्रंट टोचन नहीं बोलेंगे इसको, बैक टोचन बोलेंगे, मतलब कि तुम्हारी कम्बाइंड में चैन अड़ गई है और एक तुम्हारी मतलब कि तुम्हारी कार में चैन अड़ गई है। अब तुम देख रहे हो मतलब कि तुम्हारी जो कार थी मैंने जैसे AI व्हीकल पर टिक किया ना, तो तुम्हारी जो मतलब कि फॉर्चुनर है वो तुम्हारी कम्बाइंड को निकाल ले गई भाई इजी तरीके से। और यही सेम चीज़, और एक चीज़ और अप्लाई कर लेना, जैसे तुम्हारे मतलब कि तुम्हारा जो कलर वाला ऑप्शन है कस्टमाइज पर क्लिक करके कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ व्हील स्मोक लिख रहा होगा, जो तुम्हारा व्हाइट व्हील स्मोक है ना इसे और कलर में चेंज करके देखना और ज़्यादा लिटरली बहुत फनी होने वाला ये चीज़ ना, बहुत ज़्यादा फनी लगी है व्हील स्मोक मुझे, मतलब कि बहुत टाइम हो गया गेम खेलते खेलते आज मुझे पता लगी कि हमारे गेम में भाई व्हील स्मोक है, लिटरली मुझे मतलब बहुत टाइम से गेम प्ले कर रहा हूँ और अपडेट के ऊपर वीडियो भी बना रहा हूँ, बट आज तक मुझे ये नहीं पता था कि हमारे गेम में व्हील स्मोक चेंज करने का भी ऑप्शन है और व्हील स्मोक भी है। अब मुझे ये पता लगी भाई कि जब तुम्हारे गेम प्ले में ज़्यादा धूल देने लगा है ना तुम्हारे जो टायर हैं, तब पता चली कि भाई हमारे गेम में भी व्हील स्मोक वाला सिस्टम है। आप सब भी करके देखना, आप सबको भी पता हो या ना पता हो एक बार कमेंट करके आप सब मुझे हाँ ये चीज़ बताना कि किस किस को ये वाला सिस्टम पता था कि व्हील स्मोक मतलब कि अपने टायर का व्हील स्मोक चेंज कर सकते हैं, और ये वाला मतलब कौन कौन ने अप्लाई करके देखा था, एक बार कमेंट करके आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ भाई पता था या नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो नहीं करना और पता था तो पता करना, ठीक है, और नहीं पता था तो एक बार अप्लाई करके देखना। और इससे मतलब कि बहुत ज़्यादा लिटरली फनी होने वाला है ये वाला सिस्टम ना, बहुत खतरनाक होने वाला है और मतलब कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स आने वाले हैं तुम्हारे मुड मोड में। अभी तो तुम्हारे सामने मतलब कि छोटा सा है, अभी तो कुछ ग्लिचेज है, थोड़ा तुम्हें अभी नॉर्मल ये लग रहा है कि मुड मोड अभी नॉर्मल है, बट अभी ना ये सभी मैप में ऐड हो जाएगा ना, जैसे तुम्हारा अभी फार्मिंग मैप में ऐड हुआ है तुम्हारा छोटा सा खेत, ऐसे ही खेत ना जगह जगह देखने को मिलेंगे तुम्हारे फार्मिंग मैप में और तुम्हारे न्यू मैप में, ओल्ड मैप में और तुम्हारे टोचन मैप में, मतलब कि जितने भी तुम्हारे गेम में है ना सभी में ऐड कर रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से परसों तक ये सब सिस्टम फुल हो जाएगा, मतलब कि मुड मोड का जितना भी वर्क है ना फुल हो जाएगा,
थोड़े से ग्लिच रह जाएंगे तो वो सही करेंगे, और उसके बाद 31 मार्च तक तुम्हारे गेम प्ले का अपडेट आ जाएगा। अगर हो सके तो एक आध दो दिन लेट भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से कन्फर्म जो है वो 31 मार्च तक, 31 मार्च तक तुम्हारी गेम प्ले का न्यू अपडेट दे देंगे। बाकी और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि तुम्हारे नेक्स्ट अपडेट के लिए कौन कौन सी चीज़ें रेडी करें। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।